समझ में नहीं आता कि बार काउंसिल के जजिस तकरीरी पर एहतजाज के पीछे क्या मोहरिकात थे। जजिस तकरीरी पर बार काउंसिल के सदूर को मुतअद्दिद बार दावत दी, बताया गया वो पिशावर में हैं। बार काउंसिल्स ने एक तरफा मौकिफ अपनाते मामले को उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा जजिस तकरीरी पर हमेशा बार काउंसिल की राय ली, अब भी दरवाजे खुले हैं। बार और बेंच में दूरियां बढ़ गईं, जजिस की तायुनाती का मसला ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह बना। जजिस की तायुनाती में शफाफियत से पसंद और नापसंद के उनसर को खत्म किया जा सकता है। गुज़िश्ता अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कई लोग बेरोजगार हुए। एक फैसले से सुप्रीम कोर्ट की बेबसी जाहिर हुई। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। तालीमी इदारे कब तक बंद रहेंगे, कब से खुलेंगे? सूबाई वज़रा तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस आज होगी। कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। वज़रा तालीम और महकमा सेहत के अफसरान भी शरीक होंगे। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद रमीज राजा की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का भी इजलास। रमीज राजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।